जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी 36 FAD रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों के काफ़ी टाइम से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बारे में अपडेट दीजिए कि ये भर्ती अभी तक क्यों नहीं आई है और कब तक आएगी। तो उसी को कंसिडर करते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी से लेकर के ये तक बताया जाएगा कि कब तक ये भर्ती आएगी और इसके अंदर क्या कोई चेंजेस हो सकता है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद में मुझे बताना है कमेंट करके कि क्या आपको आगे भी इस भर्ती के बारे में अपडेट चाहिए जब तक ये भर्ती आना जाए। तो अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये प्रॉमिस किया था कि जब तक भर्ती नहीं आएगी और आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती के बारे में तो मैं आपको इसके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। ये जो भर्ती है ये आपकी इंडियन आर्मी कंडक्ट करता है और जो भर्ती है वो आपकी निकलेगी 36 फील्ड एमिनेशन डिपोर्ट, जिसको आप गोला बारूद डिपो बोल सकते हैं। और ये टोटली इंडियन आर्मी और फील्ड एमिनेशन डिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका एक सवाल डाउट ये आ रहा होगा कि सर जो 39 FAD है या 41 है इनकी भर्ती कब आएगी। तो अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको उनके बारे में भी अपडेट करूंगा, चाहे वो अपडेट ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो। अब चलिए अभी इसी पॉइंट पर आते हैं और इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो आपकी पोस्ट है इसके अंदर जो आपकी निकलेगी वह आपकी ट्रेड्समैन मेट LDC मेटीरियल असिस्टेंट यानी कि MA MTS फायरमैन और ड्राफ्टमैन, ये सभी आपकी वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन था, उसमें 383 दी गई थी, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल भी मचा कि ये फेक है या फिर रियल है। इसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी होगी, काफ़ी सारे लोगों ने उसका रिव्यू किया, कुछ ने उसको फेक बोला, कुछ ने उसको रियल बोला। बट अभी तक इस भर्ती का अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुआ है, तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं इसका अनाउंसमेंट होने का। तो मे बी जो वैकेंसी है वो आपकी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, इसके बारे में अभी कोई भी सियोरिटी नहीं है। बट जैसा भी होगा वो तो आपको टाइम आने पर मालूम हो ही जाएगा। एप्लीकेशन मोड आपका इसमें ऑफलाइन ही रहेगा, इसके बारे में मैं श्योर, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी भर्ती आती है वो अभी तक ऑफलाइन वे में ही कंडक्ट कराई जाती है, ऑनलाइन उनको नहीं करा जाता। और वैसे आपको क्या लगता है कि इनको ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरवाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में पारदर्शिता यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म आप लोग भर पाते हैं। ऑफलाइन में मिस्टेक कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या भरना है या कोई स्पेल मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि फॉर्म पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया जाता है। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सिस्टमेटिक वर्ड्स आपको फिल करने होते हैं, काफ़ी सहूलियत होती है फॉर्म को भरने में। तो मुझे लगता है कि इस भर्ती को जब भी कंडक्ट कराए ऑनलाइन माध्यम से कराए, ताकि आपको जो फॉर्म भरने का एक चांस मिले वो फेयर मिले। कई बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन वे में काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं और हो ही जाती है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे से भी ना चाहते हुए कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, उसमें काफ़ी अच्छे से आप फॉर्म भर पाते हो। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर आती है कैटेगरी, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगी। इसमें दोस्तों काफ़ी लोगों के ये सवाल रहते हैं कि सर बताइए एग्जैक्ट कहाँ पर लोकेशन हमारी रहेगी। तो ये ऑल इंडिया बेस पर भर्ती होती है, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है ऑल इंडिया बेस पर। मेनली जो आपकी पोस्टिंग होती है वो आपकी जो हेडक्वार्टर होता है 36 FAD का, वहाँ पर की जाती है। क्योंकि जो इसमें ये वैकेंसी है ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो कि आपको, ये सभी वैकेंसी अंडर ऑफिस होती है यानी कि जो ऑफिसेस होते हैं कैंप होते हैं उनके अंदर आपकी पोस्टिंग की जाती है। इसमें दोस्तों कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो अप्लाई इसमें ऑल इंडिया से कर सकते हैं, कोई आपकी स्टेट की एलिजिबिलिटी या फिर वैसी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप सिंपली ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, कहीं से आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो मोस्टली जो उसमें वैकेंसी है वो 10वीं पास पर है और एक पोस्ट है इस पर जो कि 12वीं पास से अप्लाई होगा। एज की बात करें तो एज मिनिमम आपके 18 साल है और मैक्सिमम 25 है। ये 25 जो एज लिमिट है ये एक्सपेक्टेडली है, क्योंकि यहां पर दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग अगर 25 कर दी जाए तो काफ़ी लोगों को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ये भर्ती आई थी। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो चुके हैं, तो उनका भी यही सवाल रहता है कि सर एज लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि 18 से 25 रहनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जो वैकेंसी रही है उनमें 18 से 25 ही दी गई थी। तो अगर 18 से 25 होगी तो वो जनरल कैंडिडेट के लिए होगी, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को अलग से 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि जो एससी एसटी कैंडिडेट है वो यहाँ पर 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे, और ओबीसी वाले कैंडिडेट 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है, 20 से 25 हज़ार रुपये आपको हैंड में मिलते हैं, और आपको जो बाकी बाद में मिलेंगे वो रहे अलग, बट ये सैलरी इन हैंड आपकी 20 से 25 हज़ार रुपये रहती है। फीस इसमें कोई नहीं ली जाती है, बिना फीस के आप अप्लाई कर पाते हो, बट फिर भी अगर ऑफलाइन वे में फॉर्म को भरा जाता है फिर भी आपके 50 से 100 रुपये खर्च हो ही जाते हैं फॉर्म की फोटोकॉपी कराने में, उसको भरने में, और फिर उसके ऊपर डाक टिकट लगाने में, और जो आप उसे भेजते हो उसका चार्ज। तो ये कम से कम अनऑफिशियल वे में 50 से 100 रुपये आपके खर्च हो ही जाते हैं, बट वैसे एग्जाम फीस कोई नहीं ली जाती। एग्जाम सेंटर के ऊपर भी सवाल रहते हैं कि सर कहां पर होता है, कि तो एग्जाम सेंटर आपका वहीं पर होगा जिस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म सेंड करना है, यानी कि जिस ऑफिस में आपका फॉर्म जाएगा उसी ऑफिस में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, वहीं पर आपकी सभी जो सिलेक्शन से जुड़ी हुई एक्टिविटी होगी। इसके अलावा कहीं पर भी आपका सेंटर नहीं होगा, और ना ही ऑल इंडिया बेस पर होता है। अब आती है दोस्तों कि ये फॉर्म आपके कब स्टार्ट होंगे और कब ये नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट आपका मार्च के 3rd वीक के अंदर हो सकता है, जो कि इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर ही पहले इसका अनाउंसमेंट होगा, और उसके एक दिन बाद से ही आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर अभी लास्ट जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें ही बोला गया था कि इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के बाद इसका जो एक स्टार्ट है फॉर्म का वो होगा, बट अभी तक वो नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मार्च के 3rd वीक के अंदर इसके आने की पूरी संभावना है, और वैसे उसके पहले या फिर कोई भी अपडेट आएगा तो वो तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही। ये उसके लिए कि हाँ आपका एक इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप करते रहे, या फिर जो आप अन्य प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन करते हुए आप बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम रहता है इंडियन आर्मी की सभी वैकेंसी में, और आप लोग फॉर्म 21 डेज बाद तक भर पाएंगे जैसे इसका नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाएगा। वैकेंसी यहां पर अभी कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कितनी होगी वो आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेडली आप 384 पोस्ट को मान सकते हैं, बट जो कम ज़्यादा होगी वो आपको मालूम चल जाएगा। अभी मैं इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि इतनी ही एग्जैक्ट वैकेंसी होगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था वो अभी तक वैसे भी नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपसे ट्रेड्समैन मेट पर 10वीं मांगी जाएगी, LDC पर आपसे 12वीं की मांगी जाती है, मटेरियल असिस्टेंट पर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो डिप्लोमा मांगा जाता है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, MTS पर भी 10वीं, और फायरमैन की पोस्ट पर भी 10वीं आपसे मांगी जाएगी। सिलेक्शन आपका जो किया जाएगा वो रिटर्न टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का सेंटर कहाँ होगा उसके बारे में मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया गया है, पूरा सिलेबस आपके सामने है। और यही थी बस आपकी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बारे में अपडेट चाहिए, एज लिमिट के बारे में आपका क्या सोचना है, और इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होगा इस फॉर्म को भरने का उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।